मतलब बहुत अच्छा लग रहा होगा ना एकदम, जा जा के कमेंट बॉक्स में जो कर रहे हो, जियो भैया जियो, सर एकदम गर्दा उड़ा दिया, फाड़ दिया एकदम, ये कर दिया वो कर दिया, कितना मजा आ रहा है, वाह 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 वाह। अगर मैं वीडियो बना दूं सब पूरे भोजपुरी के स्टार के ऊपर, खेसारी लाल यादव के ऊपर, तो आके कमेंट में ऐसे ऐसे गाली देते हो, जैसे लगता है कि बाप रे बाप, तुम्हारा सर पे जो है ना इतना बड़ा टेंशन हो गया है कि पूरा घर परिवार का, पूरा दुनिया का जिम्मेवारी जो है वो तुम ही लोग उठा के रखे हो। हद है रे तुम लोग का बेवकूफ है। खैर देखो अब क्या किया, पवन सिंह जी का जो वायरल भोजपुरी से गाना आने वाला था, वो गाना का एक क्लिप जो है, एक क्लिप, हालांकि तीन चार क्लिप है, लेकिन एक क्लिप जो है कुछ लोगों के हाथ लग गया है, और हाथ लग गया है तो उसको क्या कर रहे हैं, उठा उठा के, उठा उठा के, उठा उठा के जो है वो अपने YouTube चैनल पे चढ़ाए जा रहे हैं, ये ग्रुप में भेज रहे हो, वो ग्रुप में भेज रहे हो, यहाँ भेज रहे हो, वहां भेज रहे हो, सब तरफ से भेज दिए हो। एक बात बताओ, गनवा चोरी हो जाएगा और आके फिर दूसरा स्टार कहेगा कि पवन सिंह ने मेरा गाना चुरा लिया है, तब यही मूर्ख लोग जो है ना, फिर तुम ही लोग हो जो YouTube पे चढ़ा रहे हो, जो शेयर कर रहे हो ना इधर से उधर ग्रुप में, जाके इधर गाली दोगे, फिर उधर वाला इधर गाली देगा कि नहीं मेरा गाना है, वो कहेगा कि नहीं मेरा गाना है। अरे गधे तुम लोग वायरल क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो तुम्हारे तक पहुंच गया, अगर भाई मिस्टेक कोई कर दिया है तो तुम अपने तक रखो ना सीमित। तो फैंस के नाम पे तुम लोग यार, मतलब छोड़ भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो फिर से तुम लोग है ना कंट्रोवर्सी ले लोगे कि नहीं ये जो है से ज्यादा बोल रहा है। मैं तो पवन सिंह का फैन नहीं हूं, ठीक है तुम सब घोषित किए हो, चलो मैं नहीं हूं, तुम लोग तो हो ना, तो तुम लोग काहे वायरल कर रहे हो गनवा को, क्यों शेयर कर रहे हो, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। मैं पूरा मतलब देख रहा हूं 3-4 घंटे से एकदम वायरल किया जा रहा है उस गाने को। अरे भाई परसों दिन गाना आना है, अगर कल कोई छाप दिया, या पवन सिंह के 10 बजे आना है, 8 बजे अगर कोई गाना छाप दिया वही सेम लिरिक्स, वो बोलेगा कि पवन सिंह मेरा गाना चुराए हैं, तो क्या करोगे तुम लोग, कुछ कर सकते हो भाई? गाना चोरी होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और ये पहले ही पवन सिंह के कई गाने के साथ हो चुका है, ये तुम लोग का बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग के हाथ में जैसे ही क्लिप लगा, तुम लोग यू 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 लगते हो शेयर करने, कोई उसको करेगा, कोई उसको करेगा, कोई उसको करेगा, और वहां से नहीं मन भरेगा तो यूट्यूबर जो हैं पवन सिंह के नाम पे कहेंगे कि हम तो पवन सिंह के बड़का छाती ठोक के, हाँ भाई सबसे बड़का यूट्यूबर पवन सिंह के हैं, और वही लोग चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हर चढ़ाना स्टार्ट करते तो हैं तो वायरल हो जाता है, वायरल होने के बाद क्या है कि उसको दूसरा सिंगर गा देता है। तो ऐसा मत ना करो, काहे वायरल कर रहे हो भाई, क्यों वायरल कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसका टीजर नहीं लाया गया, क्योंकि पवन सिंह बोले कि नहीं टीजर आएगा तो गाने का परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाता है, क्योंकि पहले से लोग देख लेते हैं उस गाने को, फिर उतना नहीं देखते हैं जाके गाने पे। लेकिन नहीं, इन लोग को तो जो है कि टीजर नहीं ना आया है, रुको रुको हम लोग के पास क्लिप है, हम लोग क्लिप वायरल करेंगे, और फिर कहेंगे कि हम बहुत बड़का पवन सिंह के फैन है। अरे भैया जिसके पास आया है ना तो चुपचाप रखो, अपने देख लियो ना, तो क्यों दूसरे का दिखा रहे हो, और तुम दोगे उसको वो देगा किसी और को, वो दे रहा है किसी और को, और यहां तक कि अब तो यूट्यूबर स्टार्ट कर दिए हैं अपलोड करना, और फिर वही यूट्यूबर आएंगे और हमको कहेंगे कि अरे वो तो पवन सिंह का बुराई कर रहा है, पवन सिंह को टारगेट कर रहा है, हम उसका भक्त हैं पवन सिंह के, भैया हम भक्त हैं। अरे गधे तो तुम लोग अपलोड क्यों कर रहे हो जब भक्त है, तो हम तो भक्त नहीं है, तो हम एको अपलोड नहीं किए। हद है बेवकूफी का, तो कृपया करके हाथ जोड़ रहे हैं कि उसको वायरल मत करो, नहीं तो कोई गा देगा कल ना, तो मुंह बन जाएगा सबका।